हाय फ्रेंड्स, अनु के रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम आपके लिए दाल मखनी की रेसिपी लेकर आए हैं। दाल मखनी सभी को पसंद है, तो लेकिन इसको जब घर पे बनाते हैं तो उतना टेस्टी नहीं बनता है जैसे कि हम होटल या रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो बिल्कुल सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसमें जो भी है वो हम लेकर आए हैं आपके लिए, और अभी तक आपने यूट्यूब पर इस तरह नहीं देखा होगा। बिल्कुल अलग है ये, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपको बिल्कुल होटल जैसी रेसिपी खानी है तो आप इसे ज़रूर देखिए। तो अगर अच्छा लग जाए मेरा वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको भी क्लिक करिए और आज सेलेक्ट करिए जिससे जो भी नोटिफिकेशन है वो आप जल्दी पहुँचे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं, तो रेसिपी बहुत बढ़िया हो जाएगी। इस कटोरी से हमने ये उड़द वाली दाल जो साबुत दाल है वो ले लिया है, और एक मुट्ठी हमने ये राजमा ले लिया है, और आधा मुट्ठी हमने चने की दाल लिया है, और इसको हमने अच्छे से करीब 7-8 घंटे के लिए भिगो दिया है। आप चाहें तो इसको होल नाइट भिगो सकते हैं अगर आपको सुबह इसको बनाना है। तो इस तरह से अच्छे से भुग गया, देखिए अच्छे से हमने इसको रगड़ रगड़ के धोया तो जो भी इसकी गंदगी थी वो निकल गई, क्योंकि इसमें बहुत गंदगी होती है तो सारा निकल गया। और कुछ छिलके भी हमने इसका रिमूव किया है, तो पूरा छिलका हमने नहीं हटाया, थोड़ा छिलका हमने हटा दिया क्योंकि मुँह पर नहीं आए तो खाने में अच्छा लगे। तो ये अच्छे से बिल्कुल क्लीन है, अब इसको हम उबालने के लिए रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कुकर रखा है, फ्लेम ऑन कर देते हैं, हम ये डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो पानी हम इसके थोड़ा ऊपर तक डाल के रखेंगे, तो पानी अभी और डालना है इसमें, तो करीब इस तरह से 2 अंगुल इसमें डाल देंगे, दाल से थोड़ा ऊपर होनी चाहिए। आप देखिए बिल्कुल ऊपर है, 2 अंगुल है। तो अब इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे सूखे इस तरह से खड़े मसाले डालेंगे, तो दालचीनी की स्टिक है ये डाल देते हैं इसमें, एक इस तरह की काली वाली इलायची है एक इसको डाल देते हैं, 2 तेज़पत्ता डाल देते हैं इसमें, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, और नमक डाल देते हैं इसमें 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भी डाल देते हैं, चम्मच ये रिफाइंड ऑयल डाल दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारी दाल बहेगी नहीं ऊपर आके, जब हम इसमें ये अदरक और लहसुन है इसका अच्छे से क्रश कर लिया इसको डालेंगे, इसमें इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं तो ये अच्छा सा कलर आ जाएगा, और इसको हम ढक देते हैं पकने के लिए। तो इसको हम तेज आंच पे इसको हम 2 सीटी आने तक अच्छे से इसको उबालेंगे, फिर इसको फ्लेम को हम धीमा कर देंगे, और उसके बाद 2-3 सीटी और अच्छे से आएगी तो फिर इसको हम खोल के देखेंगे कि पक गया कि नहीं, तो अच्छे से पकना ज़रूरी है। चढ़ा दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है, अभी धीमा कर दिया है फ्लेम को, और ये देखिए हमने 5 टमाटर लिए, बहुत बड़े टमाटर नहीं है, नॉर्मल टमाटर है, इसको अच्छे से हम काट के इसकी प्यूरी बनाएंगे। फिर इसको रफली इस तरह से काट ले रहे हैं, तो जिस तरह से हम बना रहे हैं अगर आपने इस तरह से बना लिया तो आपका बिल्कुल वही वाला टेस्ट आएगा जो आपने रेस्टोरेंट में खाया होगा, क्योंकि अभी तक इस तरह से कभी नहीं बनाया होगा आपने जैसे आज मैं बनाने जा रही हूँ इसको। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमने काट लिया, 5 टमाटर है, इसको डाल देते हैं इसमें। इसके साथ हम डालेंगे ये अदरक लहसुन, करीब 7-8 लहसुन है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसको डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, ये ज़्यादा तीखा नहीं होगा फिर, और इसको चला लें पहले। थोड़ा सा हींग डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे और नमक डाल देते हैं इसमें जिससे अच्छे से गल जाए, तो बहुत ज़्यादा एक साथ नमक नहीं डालना है, इसको हमको थोड़ा सा पकाना है, इसकी प्यूरी बनानी है हमें, और इसको हम ढक देते हैं। और उसके पहले थोड़ा सा देसी घी डाल देना है, बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा, आप एक बार इस तरह से बनाइए। इसको ढक के पका लेते हैं, हमारा टमाटर अच्छे से गल गया है, और इसे हमने एक छोटा सा मिर्चा भी काट के डाल दिया था, ये भी अच्छे से गल गया। अभी क्या होगा, इसको ठंडा करेंगे पूरा, और ठंडा करने के बाद इसकी हम प्यूरी कर लेंगे मिक्सर में, तो इसको ठंडा कर लेते हैं, फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं।
साफ करके फिर से चढ़ा दिया है उसी कढ़ाई को, फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसमें हम घी डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो रिफाइंड में भी इसको बना सकते हैं, पर जिस तरह इसका दाल मखनी नाम है, तो अगर आप देसी घी डालेंगे, बटर डालेंगे, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। हम डालेंगे ये बारीक कटा हुआ प्याज, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अच्छे से को हम थोड़ा गोल्डन करेंगे प्याज को, तो थोड़ा सा देखिए अच्छे से गोल्डन हो रहा है मेरा प्याज। अब इसी वक्त हम डालेंगे इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी थोड़ा भूनेंगे, इसको बहुत लाल नहीं करना, इसकी स्मेल थोड़ा सा ख़त्म हो जाए तब तक तो भूनेंगे इसके साथ। और इसमें हम डालेंगे अपने मसाले, जो हम मसाले हमने तैयार किए हैं, लाल मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इसको डालते हैं पहले। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, और ये किचन किंग मसाला है, ये भी डाल देते हैं 1 टीस्पून। थोड़ा सा चला लें। इसी में देखिए जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून उन्होंने रख लिया किनारे, और ये गरम मसाला है, इसको भी 1/2 टीस्पून डाल दें। धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। हींग है 1/2 टीस्पून, इसको डालना बहुत ज़रूरी है। कसूरी मेथी 1 टीस्पून, इसको चला लें। ग्रेवी डाल देते हैं, ये मसाला तैयार हो रहा है। हम इसको भी देख लेते हैं कि कुक हो गया कि नहीं। देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया है हमारा कुकर, इसको खोल के चेक कर लेते हैं। अच्छे से कुक हो गया, देखिए बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। और जो इसमें तेज पत्ता वगैरह है इसको निकालेंगे, इसका काम हो चुका है, इसने अपना फ्लेवर दे दिया इसमें। तो दालचीनी और वो सब जो है खड़ा वाला मसाला, वो निकाल लेते हैं जैसे कि मुंह पे ना आए। ऐसा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, फिर डालिएगा ज़रूर। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा इसको प्रेस करेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और ये दो दाल भी हो जाए अच्छे से। तो इससे इसका बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। थोड़ा सा इसको, बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं स्मूथ करेंगे, बस हल्का सा, कि ये बहुत ज़्यादा खड़ा खड़ा ना लगे। दाल हमारी पक गई है, देखिए अच्छे से पक गया, ऐसे ही होना चाहिए था। तो पहले जब ये दाल मखनी बनती थी तो घंटों इसका प्रोसेस होता था पकाने का, लेकिन अब इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास, हर चीज़ चाहिए उनको खाने को, लेकिन कम टाइम में और बहुत ही टेस्टी। तो वही वाली रेसिपी है ये, कम टाइम में बहुत ही टेस्टी वाली, जैसे होटल में बनती है फ्रेंड, ये रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जब तक आप बनाएंगे नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना टेस्टी है। तो बनाना तो बनता है, तो बहुत बार बनाया होगा आपने, पर कभी भी रेस्टोरेंट जैसी स्टाइल का नहीं बना पाया होगा। तो इस बार जो बनाइए, देख लेते हमारा, देखिए अच्छे से पक रहा है। और जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी उससे बहुत अच्छा कलर आया है इसका। तो अब इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल देते हैं, तो एक बार अभी डाल देना है, तो बाद में और डालेंगे, तो इससे मक्खन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत तेज़ आंच में पकाने की जरूरत नहीं है, जितना आप अच्छे से मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे उतना अच्छा इसका महक आएगा। और पहले तो बहुत घंटों पकाते थे इसको, लेकिन अब पकाना तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट कुकिंग नहीं करनी उनको तेज़ आंच पे। तो अब क्या करेंगे, ये अपनी जो दाल है इसमें डाल देते हैं, और इसी में ही धीरे धीरे पकता रहेगा ये। तो जो हमने इसमें छिलके थोड़े से निकाल लिए थे धोते वक्त,
इससे क्या हुआ कि ज़्यादा मुंह पे नहीं आएगा, बाकी तो जो इसमें लगे हैं वो लगे ही हैं। इसको डाल देते हैं। देखिए कितना अच्छा, कभी भी दाल मखनी रेड कलर में नहीं होती है, थोड़ा ब्राउन होता है, तो वही टेक्सचर आया है फ्रेंड, देख रहे हैं आप। तो अभी इसमें हम बहुत ठीक है, तो इसमें धीरे धीरे अभी कुछ और भी डालेंगे। तो इसको अच्छे से चला लें पहले, मसाले अच्छे से इसमें आ जाएं। अब इसको थोड़ा तेज करेंगे, ज़्यादा ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा दूध डालेंगे फ्रेंड। दूध से बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, तो एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इसे दूध फटे भी ना। तो आपने कभी भी इस तरह से नहीं बनाया होगा, तो जब इसका थिकनेस हमको थोड़ा बहुत ज़्यादा अभी है, थोड़ा और पकाएंगे इसको हम, तो ये जितना अच्छे से ठीक होगा उतना अच्छा ही बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे इसे। तो अभी इसका कलर कितना अच्छा अभी से ही लग रहा है, अभी और एक करीब 10-15 में पकेगा ये, तब इसका थिकनेस देखिएगा, तो आप सोचेंगे हाँ बिल्कुल यही एग्जैक्ट चीज़ हमने खाई थी। तो इसको पकने देते हैं, एक आध उबाल आने देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम थोड़ा दूध डालेंगे, एक साथ दूध नहीं डालना है। तो इसका फ्लेम हमने तेज कर दिया अभी, इसको चलाते रहेंगे बराबर, नहीं तो नीचे से चिपक सकता है। कढ़ाई हमने दूध इसमें डाल दिया है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इससे ज़्यादा ठीक नहीं करना है इसको। और अब इसमें हम थोड़ा क्रीम डालेंगे, तो आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा हो गया है, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा थोड़ा और ये ठीक होगा। तो अभी इस टाइम पे हम इसमें क्रीम डाल देते हैं, चार चम्मच, बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा इसका, चला लेते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर डालेंगे आप तो यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनेगा, आपको लगेगा कि आप होटल में बैठ के दाल मखनी खा रहे हैं। और आप इसका कलर देख सकते हैं कितना एकदम बिल्कुल जैसे होटल में मिलता है उसी तरह का दाल मखनी बना है ये। तो थोड़ा सा और 2-3 मिनट पका लेंगे इसको, और इसमें थोड़ा बटर और डालेंगे। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, चाहे क्रीम हो या फिर कोई बटर है ये आपके ऊपर है। अगर आप पूरा होटल जैसा ही टेक्सचर चाहिए तो आप इसी तरह डालिएगा, क्योंकि ये दाल मखनी है तो इसमें ये सब चीज़ पड़ता ही पड़ता है। और एक बार अगर आप इस तरह से बना के दूसरों को खिलाए तो लोग ज़रूर पूछेंगे कि होटल से ऑर्डर किया था क्या, तो इसी तरह बनाइए आप इसको। तो बस ये हो गया है, अब हम ऑफ कर देंगे और इसको सर्व करके दिखाएंगे आपको। और ये डाल दिया है बटर, अब क्रीम से इसको डेकोरेट कर लेते हैं। देख सकते हैं आप कितना कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। कितना झटपट हमने दाल मखनी अपने घर पे बना ली है, बिल्कुल होटल स्टाइल से, तो जैसे होटल में हम लोग खाते हैं। तो अब आप इसी तरह से बनाइएगा तो आपको लगेगा कि आप होटल में ही बैठ के खा रहे हैं दाल मखनी। तो बनाइए, बना के खाइए, खाने का अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड में, और बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, जैसे जो भी नोटिफिकेशन आप जल्दी पहुँचे, और कमेंट करके जो बताया करिए कि हमारी रेसिपी आपको कैसे लगती है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।